दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र और सत्र के दिन ही हंगामे की जो है वो बेट चढ़ गया पूरा सदन। और इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा के अंदर और तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के उनकी तरफ से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग जो है वो की गई थी, लेकिन इसी की चर्चा को लेकर के विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त बायकॉट करके बाहर आ चुके हैं और महात्मा गांधी की स्मृति के बाहर जो है वो विरोध कर रहे हैं। जितेंद्र महाजन जो कि रोहतास नगर से विधायक हैं साइकिल पर भी आए हैं। आपको एक सदन की एक गरिमा होती है, आपने पेपर जो है वो छाला। दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के समय में प्रदूषण और नई आबकारी नीति, इसको लेकर हम चर्चा करना चाहते थे। इसके लिए हमने माननीय अध्यक्ष जी को नोटिस दिया था, मगर माननीय अध्यक्ष जी ने ये दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर दिल्ली आज जल रही है, उन दोनों मुद्दों को ऊपर माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा करने से इनकार कर दिया। उसको लेकर हमने अपने मैंने विरोध में ये सब किया, क्योंकि आप देखिए दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, दिल्ली के अंदर नए नए शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और जिसको लेकर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और आप ये देखिए, ये वही केजरीवाल सरकार है जिसने ये पुस्तक, अरविंद केजरीवाल ने पुस्तक लिखी स्वराज, इसके अंदर बिल्कुल साफ लिखा है कि जहाँ पर भी शराब का ठेका खोला जाएगा वहाँ की जनता की राय ली जाएगी। आज यही अरविंद केजरीवाल इस पुस्तक को भूल गए। इस पुस्तक को के दम पर जो बातें उन्होंने कही, दिल्ली वालों ने उनके ऊपर विश्वास किया, आज वो उन्हीं से मुकर गए हैं और दिल्ली को एक नशे की नगरी बनाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आज साइकिल पर क्यों है? साइकिल पर रोहतास नगर से मैं साइकिल पर इसलिए आया हूं कि प्रदूषण और नई आबकारी नीति, इसके ऊपर इस गुंगी भैरी सरकार का ध्यान जाए, इसके लिए मैं साइकिल पर आज यहां पर आया हूं। जितेंद्र महाजन, क्योंकि प्रदूषण का एक बड़ा मुद्दा, नई शराब की आबकारी नीति को लेकर के चर्चा चाहते थे और तमाम विधायक हैं अभी भी यहां पर विरोध जो है वो कर रहे हैं। मैं आप स्लोगन पढ़ रहा हूं, दारू नहीं साफ हवा और पानी चाहिए। आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानियों में से एक है और दिल्ली में प्रदूषण का जो आलम है उस प्रदूषण से केजरीवाल सरकार मदमस्त होकर संविधान का लगातार उल्लंघन कर रही है। आज दिल्ली को साफ हवा और पानी की ज़रूरत है जिससे कि दिल्ली के लोग दिल्ली में रह सकें, लेकिन केजरीवाल सरकार विपक्ष को इस मुद्दे पर बात करने के लिए, अगर हम बात करते हैं तो हमारा दमन करते हैं और अपना जो उनकी संख्या बल है उस संख्या बल का प्रदर्शन करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का धता बताते हुए हमारे सदस्यों को हमको बाहर निकालते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। अब आगे क्या? निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को साफ हवा और पानी मिले और ये आबकारी नीति बदले, इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। विधायक हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे आबकारी नीति को लेकर के अपना संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। इस तरीके से विरोध दिल्ली की सड़कों पर जो है वो, चाहे वो सड़क हो चाहे वो सदन हो, उसमें अपना विरोध जो है वो दर्ज कराएंगे। कैमरा पर्सन सौरभ भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।